सिर्फ एक और सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर जिसने सिंगल मॉल्ट विस्कीज के बहुत सारे वेरिएंट लॉन्च कर रखे हैं और नियर फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट आने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि यार सिंगल मॉल्ट विस्की के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे रीजन साफ है दोस्तों कि सिंगल मॉल्ट विस्की का जो चार्म है इन दिनों बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर और मोस्ट प्रेस्टीजियस विस्कीज के अंदर नाम आता है हमारी सिंगल मॉल्ट विस्कीज का। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोगों को हिंट मिल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ पॉल जॉन विस्की की, और जिस विस्की का आज हम रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसका नाम है व्हील्स ऑफ विस्की। व्हील्स ऑफ विस्की तो हमारे चैनल का नाम है यार, आप कंफ्यूज मत हो। लेकिन विस्की का नाम बताने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने चैनल जिसका नाम है व्हील्स ऑफ विस्की, और जिस वेरिएंट का आज हम रिव्यू करने वाले हैं अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसका नाम है पॉल जॉन एडिटेड सिंगल मॉल्ट। इस विस्की को रिव्यू अनबॉक्स करने से पहले थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम इस विस्की के बारे में। सबसे पहले इसका जो मिनीचर है, इसका जो छोटा वर्जन है वो मैं आपके सामने ले आता हूँ, बिकॉज यार नोजिंग और टेस्ट के लिए तो काफ़ी इतनी सी विस्की हम इसके अंदर चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन कुछ खास बातें पॉल जॉन विस्की के बारे में, ये विस्की प्रोड्यूस होती है गोवा के अंदर और गोवा के अंदर इसकी डिस्टिलरी है। जो भी बार्ले यूज़ किया जाता है इस सिंगल मॉल्ट विस्की को बनाने के लिए वो है 6 रो बार्ले, और ये विस्की मैच्योर की जाती है एक्स बबन कास्क के अंदर। 6 से 8 साल के लिए इसको रखा जाता है, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें स्कॉटलैंड के टेम्परेचर के हिसाब से तो मतलब 15 साल से तो ऊपर निकल गया, बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा भारी है, थोड़ा गर्म है, तो यहाँ पे जो विस्की है वो मैच्योर जल्दी ही होती है। लेकिन हमारी जो विस्कीज है अगर हम कंपेयर करेंगे स्कॉटलैंड से तो 15 से 18 साल के आसपास ये पहुँच जाती है। एडिटेड विस्की बनी है ब्लेंड ऑफ 85% पीटेड एंड 15% माइल्डली पीटेड से, मतलब आप बोल सकते हैं जो पॉल जॉन ब्रिलियंस है उसका एडिटेड वर्जन है हमारा पॉल जॉन एडिटेड ब्रिलियंस का। मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, आप तो मेरे जो आई बटन है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं जाके पूरा रिव्यू ब्रिलियंस का। बात करें अवेलेबिलिटी की तो इंडिया के अलावा ये विस्की अवेलेबल है यूरोप के अंदर, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और ताइवान, और इसके अलावा भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है ये विस्की यूरोप की अदर कंट्रीज के अंदर भी। तो मतलब हर जगह तक पहुंच चुकी है हमारी पॉल जॉन। इस बेहतरीन सिंगल मॉल्ट विस्की को हम ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं, हमारा जो मिनिएचर है अब उसको खोल लेते हैं, आज़ाद कर देते हैं इस विस्की को और पोर करते हैं हमारे ग्लास के अंदर। जैसा कि मैंने कहा था नोजिंग और टेस्ट के लिए काफ़ी है विस्की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। कलर इसका लाइट गोल्डन कलर है जैसा कि आपको मेरे ग्लास के अंदर दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे लेग्स बन रहे हैं इस विस्की के, जो कि दर्शाता है कि अल्कोहल परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर विस्की जो कि हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए नोजिंग नोट्स चेक करते हैं और बताता हूँ कि आखिर नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं हमारी पॉल जॉन एडिटेड विस्की के। बार्ले एंड स्पेशली मैं बोलूं तो जूसी बार्ले के नोट्स मेरे को इसमें से आ रहे हैं, हनी नोट्स आल्सो। इसके अलावा जो सॉफ्ट स्मोक के नोट्स है वो भी मेरे को इस विस्की के अंदर से फील हो रहे हैं। फ्रूटी आरोमा नो डाउट, बहुत ही अच्छा फ्रूटी आरोमा है, और सबसे अच्छे जो नोट्स मेरे को फील हुए इस विस्की में वो है बॉनफायर के नोट्स, और बहुत ही अच्छे से वो बॉनफायर के नोट्स मुझे आए हैं। लेकिन ये जो बॉनफायर के नोट्स है दोस्तों ये और पार्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, तो ये कंप्लीट चीज़ थी नोजिंग नोट्स के अंदर। चेक करते हैं कि टेस्ट नोट्स क्या बोल रहा है इस विस्की का। बार्ले, और अगर बार्ले में भी बोलूँ तो जो ग्रेसी बार्ले हैं उसका टेस्ट मेरे को फील हो रहा है इस विस्की के अंदर से। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो वुडी है, स्पाइसी है, और हनी का भी जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो मेरे को इसमें से फील हुआ है। और सबसे जो अच्छी बात लगी दोस्तों मेरे को इस विस्की के अंदर से वो है जो चॉकलेट मिंट का फ्लेवर है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और साथ के अंदर जो स्मोक का फ्लेवर है, मतलब माइल्ड स्मोक का फ्लेवर है, ओवर पार्ट नहीं है, आप इसको अच्छे से फील कर सकते हैं, अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो स्मोक का कॉम्बिनेशन है और जो चॉकलेट मिंट का कॉम्बिनेशन है, बार्ले का कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन एक यूनिक विस्की, एक यूनिक सिंगल मॉल्ट बनाता है एडिटेड वर्जन। बात करते हैं हाउ टू ड्रिंक दिस विस्की। तो देखिए दोस्तों आप चाहें तो इसको आइस के साथ, नीट या पानी के साथ इंजॉय कर सकते हैं,
पेयरिंग फूड कौन सा रहेगा बेस्ट। पेयरिंग फूड में आप वेज या नॉन वेज जो ग्रिल्ड फूड है वो आप ले सकते हैं, मतलब वेज में आप चाहे तो सोया चाप या फिर पनीर, और नॉन वेज में चिकन या फिर फिश के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। बात करें अल्कोहल बाय वॉल्यूम की, वो है 46%, मतलब बहुत ही भारी है। और प्राइस इस विस्की की है 5955, मतलब 6000 के आसपास ये विस्की की बॉटल आपको मिलेगी। ये राजस्थान की प्राइस है, अदर स्टेट्स में अपने हिसाब से प्राइस है, जो जो टैक्सेस लगते हैं उस हिसाब से प्राइस बन जाती है इस विस्की की, लेकिन 6000 के अंदर ये बहुत ही अच्छी विस्की की बॉटल है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से यार 12 से 15 साल इसकी एज होनी चाहिए, लगी इस पर एज नहीं है, लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, गोवा का, जहाँ पे विस्की मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके हिसाब से तो 15 साल के आसपास इसकी एज होनी चाहिए, तो इतना पैसा तो बनता है। तो यहाँ पे फिनिश, मतलब समापन होता है हमारे आज के एपिसोड का। लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ी बहुत और तारीफ करना चाहूंगा हमारी पॉल जॉन एडिटेड विस्की के बारे में। देखिए दोस्तों, नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की है, किसी भी तरीके का जो कलर है उसका यूज़ नहीं किया गया है, मतलब आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस विस्की को बनाने के लिए। और इसके अंदर जो पीट का इस्तेमाल किया गया है वो इंपोर्ट हुआ है स्कॉटलैंड से, डायरेक्ट स्कॉटलैंड से इंपोर्ट करने के बाद बनाई गई इस विस्की को। तो इतनी सारी खूबियां हैं इस विस्की की, अगर इसको नहीं चखा तो क्या किया। तो जल्दी जाइए इस विस्की को परचेज करिए, टेस्ट करिए, और उसके बाद मुझको धन्यवाद मत दीजिए, बस कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि कैसा लगा आपको इस विस्की का टेस्ट और हमारा आज का ये रिव्यू। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक व्हील्स ऑफ विस्की को सब्सक्राइब नहीं कराया कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो जो बेल आइकन होता है घंटी घंटी घंटी, उस घंटी को बजा दीजिए ताकि आप लोगों के पास हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आते रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ, वापिस आऊँगा नई विस्की के रिव्यूज के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, चीयर्स एंड गुड बाय।